हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो देखो सिंपली क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेट ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, लॉग से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सारे टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.5 का, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा ये। ओके, नेक्स्ट देखो क्या करना है इसमें, एंड हैंस फाइंड, इसका डिफ्रेंशिएट निकालना और एक्स की जगह कितना 1 पुट करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो देखो गिवन फंक्शन क्या है, इसको लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसके और मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हमें गिवन फंक्शन दिया। ओके, तो देखो सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, लॉग को दोनों तरफ यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, लॉग एफ एक्स, ओके इक्वल, ये समझ लो वाई एक टर्म। ओके, कन्फ्यूज मत होना एफ एक्स से, तो यहाँ क्या आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट 1 प्लस एक्स की पावर 8। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो लॉग एफ एक्स इक्वल, ये देखो लॉग ए वी का फॉर्म लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। सिंपल, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स। यहाँ देखो इसका टर्म क्या आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ओके, 1 का डिफरेंशिएट 0 x का 1, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस चेन रूल भी लगानी है, याद रखना है, लॉग का इसका क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस टर्म का डिफरेंशिएट क्या आएगा मेरा, 2x। ओके, प्लस इसका क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसका क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 1 का 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का 4 आगे एक्स क्यूब। ओके, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 और ऊपर क्या बचेगा मेरा, 8 एक्स की पावर 7। ये समझे ना कि पावर आगे आ जाता है और एक माइनस कम हो जाती है, तो ये आ जाएगा। सिंपल अब क्या करना है, एफ एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे, तो एफ डैश एक्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्या बचेगा मेरा, इक्वल एफ एक्स इधर आया, इक्वल ये देखो 1 अपॉन में इक्वल नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 2x y 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइड में 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x पावर 7 1 प्लस x की पावर 8। ओके, ये आएगा मेरा सिंपली। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स मेरा क्या था, ये टर्म। ओके, तो देखो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इसके बराबर, एफ एक्स क्या है मेरा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। ओके, और जो टर्म है मेरी, ये टर्म एज इट इज़, तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 7 डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। इतना समझ आया, बस इसको छोड़ दो, इतना ही। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड एफ डैश 1। ओके, ये कितना होगा हमें, तो यानी कि एक्स की जगह कितना पुट करना है हमें, 1। तो देखो क्या आएगा, एफ डैश 1, अब जहाँ भी तुम्हें एक्स दिखे वहाँ कितना पुट करना है हमें, 1। तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 8। ओके, अंदर भी टर्म क्या बचेगी ऐसी, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब, ये 1 प्लस 1 का पावर 4, ओके, प्लस ये देखो क्या बचेगा, 8, 1 की पावर 7, और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर 8, इतना समझ आया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व, एफ डैश 1 किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 1 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का पावर 4 1, और 1 प्लस 1 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे भी कितना आएगा मेरा 2, इतना समझ आया। अंदर क्या देगा, ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये प्लस, ये कितना होगा 2 अपॉन में 2 प्लस 4 अपॉन में, ये भी 2 हो जाएगी, 1 का 1 प्लस 1 की पावर 4 भी कितना होगा 1, और दोनों 2 प्लस 8 अपॉन में 2। अब नेक्स्ट टाइम में देखो क्या करना है, f डैश 1 क्या आएगा मेरा, 2 2 2 2, ओके, कितना बचेगा मेरा 4, 4 कितना हो गया मेरा 16, ओके। अब यहाँ देखो, 2 से 2 कट गया 1 बचेगा, 2 से 2 गया 2, 2 से 2 गया 4, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ है, तो हो गया 1 अपॉन में 2। अब देखो 2 प्लस 8, 8 प्लस 9, इतना सिंपल समझ आया, मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको ऐड करना है, तो कितना आएगा 2 प्लस 8 1 6 एंड 7, तो ये 7 हो गया। अब क्या करना है, सिंपल f डैश 1 किसके बराबर आएगा मेरा 16, यहाँ देखो पहले एलसीएम लेना है उसके बाद काटना, फिर लोग क्या करेंगे ऐसे ही काट देंगे, नहीं तो देखो एलसीएम कितना आएगा मेरा 2 प्लस 1, 2 इंटू 7 14, सिंपल, तो कितना आएगा 2 से 2 अब काट सकते हैं 8, तो 8 इंटू 15 कितना होता है 8 इंटू 15 120, तो f डैश जो 1 है मेरा कितना आएगा मेरा 120, ओके, यह है हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।